नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर अब 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आज के समय में इंसानों को अपने मतलब के लिए पर्यावरण को ताक पर रखते देखा गया है। जिस पर्यावरण पर पूरी सृष्टि टिकी है, उस पर्यावरण को नष्ट करने के लिए आतुर है। हालांकि समय समय पर सरकार भी पर्यावरण की महत्ता को समझते हुए कई सकारात्मक कदम उठा चुकी है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़े जाने पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला सुना दिया है। इसको लेकर बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण और उपयोग करते हुए पकड़े जाने वालों को 15 दिसंबर से 1,00,000 रुपए तक जुर्माना या 5 साल तक की सजा, दोनों तरह के दंड दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी जानकारों की माने तो दंडात्मक सूची में बिहार सरकार की तरफ से प्लास्टिक के अलावा थर्मोकोल को भी रखा गया है। इसके साथ ही इस सूची में प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच, कटोरी, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, पानी के पाउच या बोतल, इसके साथ ही प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट को भी शामिल किया गया है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 18 जून को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके तहत ही अब 180 दिन तक की अवधि में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण और भंडारण खत्म करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक या थर्मोकोल से सामग्री बनाने वालों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों और फेरी वाले को 14 दिसंबर तक अपना स्टॉक खत्म कर देना होगा, जिससे कि यह सामग्री आम लोगों को उपयोग के लिए नहीं मिल सके। जिसके बाद 15 दिसंबर से अगर निर्माण और उपयोग कार्यों को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें आसानी से खत्म नहीं होती है। ये नालियों को जाम करने का काम करती है, साथ ही मिट्टी में भी पर्याप्त मात्रा में प्रदूषण फैलाती है, जिससे उर्वरक शक्ति कम होने से फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है। यहाँ तक कि इसके फेंकने से जानवर भी इससे अपना शिकार बना लेते हैं और उनका भी जीवन संकट में आ जाता है। वहीं इन प्लास्टिक से बने उत्पाद को जलाने से विषाक्त गैस निकलती है, जिससे वायु दूषित होने के साथ साथ पर्यावरण के बहुत, और इस तरह से प्लास्टिक वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण और इस्तेमाल पर आदेश जारी कर देने के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत अगर सरकार की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन अभी भी नहीं किया गया तो निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी उपर्युक्त कर्मियों की होगी। वहीं इससे पहले राज्य में 50 माइक्रोन से कम मोटाई का प्लास्टिक कैरी बैग और प्लास्टिक शीट को राज्य सरकार ने साल 2018 में अक्टूबर के महीने में ही सभी नगर निकायों में प्रतिबंध कर दिया था। साथ ही 11 दिसंबर 2019 की गजट अधिसूचना के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में भी प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसके उपयोग आकार और मोटाई का जिक्र फिलहाल नहीं किया गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।